रोज पहली नजर हर खबर। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर खुद को बेचे जाने की साजिश का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। किशोरी का कहना है कि उसके पिता विकलांग हैं और दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। उसका कहना है कि मोहल्ले के ही रहने वाले सोनू, दीपक, हरिया और हरीश भी दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। ये लोग उस पर बुरी नजर रखते हैं। उसका कहना है कि सोनू शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी का दबाव बनाता था। दीपक, हरिया और हरीश भी आए दिन उसे छेड़खानी करते हैं। इनकी करतूतों की शिकायत करने पर उनके माता पिता भी उसको मारते पीटते हैं। लॉकडाउन के समय में उसके माता पिता उसको लेकर उसकी ननसाल चले आए। किशोरी का कहना है कि वह लोग ने ननसाल में भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। किशोरी का कहना है कि कुछ लोग शादी करने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर उसके माता पिता ने भी उसे कई दिन खाना नहीं दिया। 1 अगस्त को जब जबरन उसके पिता ने उसे उक्त लोगों के पास रोडवेज के जरिए दिल्ली भेज दिया। रास्ते में उसकी रखवाली करने के लिए बस के कंडक्टर से कहा कि उसका ध्यान रखना कि कहीं चली न जाए। दिल्ली बस अड्डे पर सोनू, हरिया और हरीश और दीपक उसे मिले, उसे अपने साथ ले गए और कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। किशोरी से कहा गया कि अगर शादी को राजी होगी तभी दरवाजा खोला जाएगा। किशोरी का कहना है कि रात में उसने लोगों को बातें करते हुए सुना कि इसको बलात्कार करने के बाद बेच देंगे। लोगों की बात सुनकर किशोरी जंगल से छूटकर चुपचाप बस द्वारा बरेली चली आई। घर आकर किशोरी ने सारी बात अपने दादा दादी को बताई। किशोरी का कहना है कि शाम को वह अपने दादा दादी के साथ थाने भी गई, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। किशोरी का कहना है कि उसके पिता विकलांग होने की वजह से कहते हैं कि उनका कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा उसे कई बार जान से मार देने की धमकी दी जा चुकी है और उसे बेचे जाने का भी डर है। किशोरी ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की है। मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया। बोले एक मेरे चाचा हैं जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो मेरे उससे शादी करने को कह रहे हैं। उसका नाम दीपक है और वो भी मुझे फंसवा रहा है। और मेरे पापा ने मेरी वो खुद मुझ पे गंदा बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बहुत गलत हूँ। और सोनू है जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी अपनी पत्नी को छोड़ लिया और कह गया मैं तुझे रख लूँगा। मगर हाँ, उसके 2 बच्चे हैं, मगर मैं किसी से शादी करना चाहती नहीं हूँ। मेरे माँ बाप मुझे खुद जान पूछ के करवा रहे हैं। माँ को भी बता। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तुझे जान से भी मार दूंगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। और वो मुझे बेचने की भी बात करते हैं, यही कहते हैं कि मैं तुझे बेच दूंगा वरना दीपक से शादी कर ले। और मैं शादी करना चाहती नहीं हूँ। मम्मी के संकेत करो। मेरे वो जो दीपक है उसे मैं, मेरी उम्र 13 साल। हाँ 6 में। मैं तो कुछ नहीं जा रही हूँ, मैं तो दिल्ली से भाग के आई हूँ क्योंकि वो लोग मेरी शादी कर रहे थे। मैं अपने दादी दादा के पास आई हूँ क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ मेरी वही मदद कर पाएंगे और वो कर रहे हैं। मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मेरे माँ बाप तो मुझे सीधे जान से मार। आजाद नेशन न्यूज़, पहली नजर हर खबर।